सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सबको दिखाने वाला हूँ माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के कुछ ऐसे ग्लिचेस जिसको आपने कभी नहीं देखा होगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। और गाइज, ये क्या है? ये मेरे चैनल का वॉच टाइम है भाई। 2-3 साल हो चुके हैं मेरे को यूट्यूब पे काम करते हुए, बट अभी तक मेरा कंप्लीट नहीं हुआ वॉच टाइम। प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना है यार, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। घर पे गाली पड़ती है मेरे को, घर वाले बोलते हैं पढ़ता लिखता है नहीं, दिन भर यूट्यूब पे काम करता रहता है, वीडियोस बनाता है, गेम खेलता है। गाइस प्लीज सपोर्ट करो यार, ताकि पैसा आए तो मैं कुछ बोल पाऊँ कि मैं भी देखो कुछ कर रहा हूँ। तो प्लीज गाइस सपोर्ट करो यार, प्लीज एंड तक देखना। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और गाइज, मेरे बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, तो उसके लिए और भी गाली पड़ती है मेरे को यार 10th में। जो जो है कमेंट करके जरूर बताना। और बोर्ड एग्जाम्स जल्द ही आने वाले हैं, 1 महीने का टाइम बचा है बस। क्या बात कर रहे हैं? तो गाइज, माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन तो बहुत लोग खेलते हैं, बट माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन का ग्लिचेस के बारे में तो बहुत कम लोग को पता होगा। तो आज मैं आप लोग को बता देता हूँ, बस वीडियो में एंड तक बने रहना। सो गाइस, हम लोग रेड स्टोन के बारे में तो जानते ही हैं। रेड स्टोन के 2 वेरिएंट हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, एक रेड स्टोन और एक डीप स्लेट रेड स्टोन। और अगर हम लोग इन लोग को टच करें माइन करने के लिए, या फिर इन लोग पे चढ़ें, तो इन लोग लाइटनिंग मतलब लाइट निकलने लगती है इन लोग के अंदर से। तो भाई देखो, यहाँ पर मैं इसके ऊपर चढ़ गया एंड इस पर भी चढ़ गया, इन दोनों में से लाइट निकलने लगी। बट रुको यार, अभी मैं आप लोग को ग्लिच बताता हूँ। ये वाला जो है ये रेड स्टोन बुझेगा ही नहीं, मतलब जलते रहेगा हमेशा, लाइटनिंग निकली रहेगी इसमें से। एंड ये जो ये वाला है, ये वाला बुझ जाएगा गाइस, अभी देखते जाना गाइस। तो इसको आप लोग डेकोरेटिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। सो गाइस, क्या आप लोग को ये ग्लिच पता था? तो अब बात करते हैं गाइस नेक्स्ट ग्लिच के बारे में। और इस ग्लिच में हम लोग को यूज करना है बैनर। और बैनर को अगर हम लोग पानी के अंदर लगाते हैं, यहाँ पे देखो मैं बहुत सारे बैनर यहाँ पे लगा देता हूँ। और बैनर लगाने के बाद गाइस, पहले मैं लगा लेता हूँ 2-4 बहुत सारे बैनर, ताकि अच्छे से ये मतलब पानी के अंदर लग जाएं। और ये लग चुके हैं सारे के सारे। और इन लोग को लगाने के बाद अगर हम लोग पानी के बाहर आएंगे, तो ये पानी के बाहर से भी हम लोग को दिखाई देंगे ब्लैक कलर में। तो ये भी ग्लिच है गाइस एक माइनक्राफ्ट का। सो गाइस यार, ग्लास तो हम सभी लोग यूज़ करते हैं डेकोरेट करने के लिए अपने हाउस को, बट ये ग्लास के पीछे भी एक ग्लिच है। और बैनर हम लोग को इसमें लगाना पड़ेगा, तो हम लोग को ग्लास के आगे या फिर पीछे आके बैनर लगाना है। एंड अपोजिट साइड आके बैनर को हम लोग देखेंगे, तो हम लोग को बैनर ऐसा दिखेगा कि ग्लास के आगे लगा हुआ है, मतलब देख सकते हो आप लोग खुद ही कि आगे दिख रहा है। एंड गाइस यार, एक और ग्लिच है ग्लास के पीछे, तो चलो वो भी ग्लिच मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो ये देखो गाइस, मैंने ले लिया है साइन, और साइन पे मैंने यहाँ पे जैसे साइन लगा दिया, और साइन पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, प्लीज सब्सक्राइब, जैसे कि प्लीज यार सब्सक्राइब कर ही लेना असली में। एंड पिग, तू भी सब्सक्राइब कर लेना, 4 जूता देंगे यही होश में आ जाओगे। तो चलो गाइस, अब चलता हूँ मैं ग्लास के आगे साइड, और यहाँ पे देखना अभी मैं एक और मैजिक दिखने वाला है। और ये देखो गाइस, ऐसा लग रहा है ना कि ये ग्लास पे लिखा हुआ है, मतलब ग्लास के आगे लिखा हुआ है, जबकि मैंने साइन को ग्लास के पीछे लगाया है। तो गाइस, अगर आप लोग से मैं कहूँ, हम लोग कंपास और रिकवरी कंपास और क्लॉक को बिना बनाए भी यूज कर सकते हैं। क्या क्या बात कर रहे हैं? सच में गाइस, बस हम लोग को एक क्राफ्टिंग टेबल चाहिए, और इसके अंदर हम लोग को क्लॉक सर्च करना है। एंड यहाँ पे देखो गाइस, दिन हो रहा है, तो यहाँ पे दिन दिखा रहा है। एंड मैं नाइट कर देता हूँ यहाँ पे, देखो तो टाइम एंड नाइट सेट कर दिया है मैंने, और देखो नाइट हो चुकी है। एंड देखो अभी नाइट दिखा रहा है कि नहीं क्लॉक में। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। इसी तरह से गाइस, हम लोग कंपास एंड रिकवरी कंपास को भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आप लोग को एक डेमो दिखा देता हूँ। ये देखो गाइस, अभी इस साइड है एंड मैं घूम चुका हूँ, एंड फिर ओपन करता हूँ, एंड यहाँ पे देखो दूसरे डायरेक्शन में दिखा रहा है कंपास, मतलब कि कंपास वर्क कर रहा है, जिस साइड हम लोग जा रहे हैं उस साइड दिखा रहा है। एंड रिकवरी कंपास भी सेम टू सेम ऐसा ही वर्क करेगा, बस हम लोग को दूसरे डायरेक्शन में घूम के चेक करना है। तो आप लोग बिल्कुल फ्री में कंपास को यूज़ कर पाओगे बिना बनाए। एंड गाइस, हम लोग मॉब से लड़ते लड़ते अपनी शील्ड काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर देते हैं, और डैमेज हो जाने के बाद इसको रिपेयर करने के लिए हम लोग को एक वुड लगता है या फिर शील्ड लगती है। तो इसको मैं बिल्कुल फ्री में रिपेयर करवाने वाला हूँ, इसको बस हम लोग को एक बैनर लेना है। एंड ये देखो, एकदम फ्री में आपकी शील्ड रिपेयर हो जाएगी, पूरी पूरी फुल हेल्थ हो जाएगी शील्ड की। तो ये ग्लिच आपको पता था या फिर नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना यार। सो गाइस, मैंने आप लोग को सभी ग्लिचेस बता दिया। एंड आप लोग को कुछ ग्लिचेस पता हो तो कमेंट करके बता देना। एंड आप लोग को मिलूंगा मैं और भी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को एक लाइक कर देना। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे पास इतने अच्छे अच्छे बैकग्राउंड वीडियोज़ कहाँ से आ रहे हैं, ये मैंने खुद से माइनक्राफ्ट में बनाए हैं और मॉड लगा के बनाए हैं। अगर आप लोग को भी बनाना है एंड ये मॉड चाहिए, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर लोगे, तो मैं वहाँ पे आप लोग को इस मॉड का लिंक दे दूँगा,
और इससे माइनक्राफ्ट काफ़ी हद तक बहुत अच्छा दिखने लगता है। एंड अगर आप लोग को ये मॉड देखना है कि इस मॉड में क्या क्या चीज़ें हैं, तो आप लोग ये वीडियो देख सकते हो। तो मिलूंगा मैं और भी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।